नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। वीडियो को शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और हम लोगों को सपोर्ट किया है चैनल को ग्रो होने के लिए। आज वीडियो में हम लोग बात करने वाले, ये जो आपको दिख रहा है और वीडियो पे, मिस्टर रजनीश कुमार के बारे में जो SBI का चेयरमैन है, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। उसके बाद SBI में क्या होगा, गिरावट होगा कि आगे जाएगा, उसी के बारे में बात करने वाले। वीडियो को पूरा देखिए, कभी स्किप मत कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो देख के मुनाफा मिले SBI में तो जो है कमेंट पे जरूर थैंक यू बोल देना, और वीडियो को हो सके तो जो है शेयर और लाइक जरूर कर देना। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं SBI के बारे में बात। SBI का जो है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें जो है टारगेट प्राइस तो ऑलरेडी आपको दे दिया है, लेकिन अभी एक जो बयान आया है उसके बाद हम लोग को देखना है कि SBI में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो सबको पता है कि SBI में जो है रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर फोर का, ये सब चल रहा है। उसके बीच जो है SBI का चेयरमैन ने ये जो एक बहुत बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो SBI का कीमत है, शेयर मार्केट शेयर का एक शेयर का जो कीमत है वो करीबन मार्केट में गिरावट हो रहा है। उसके हिसाब से उन्होंने जो है नाराज़गी जताई है और उन्हें ये भी बताया कि उनके पास बाज़ार से निपटने का कोई भी मतलब आप बोल सकते हैं कि तरीका नहीं है। तो बराबर है कि दोस्तों कि कोई भी स्टॉक मार्केट का जो है वो बाज़ार में जिसके पास ज़्यादा होता है वैल्यू अप डाउन होता रहता है, उसमें उनके पास कुछ रास्ता नहीं है, वो तो निपटने के लिए कोई ऐसा कोई रास्ता नहीं है चेयरमैन के पास। तो उसके चलते जो इन लोगों ने थोड़ा नाराज़गी जताया है क्योंकि इतना कम प्राइस में SBI जो है एक स्टॉक सेल हो रहा है, मार्केट पे ट्रेड हो रहा है, जो कि आपको बताया था मैंने कुछ दिन पहले कि SBI जो है बहुत ही बढ़िया बैंक है, वो आप लोगों को बताया दोस्तों। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो बैंक का कीमत एक ट्रेड का जो है बहुत ही कम है, जो नॉर्मली करीबन 250 रुपया 300 रुपये तक तो होना चाहिए थे SBI जैसे इतने बड़े बैंक का। बट इसमें कोई इश्यूज़ आया था उसके बाद जो है बैंक का जो है कीमत बहुत डाउन हो गया है। और इसमें जो है ये भी बताया गया कि दोस्तों जो SBI का चेयरमैन रजनीश कुमार, उन्होंने ये बहुत बड़ा बयान दे दिया कि SBI का जो प्राइस है, प्राइस ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में, वो जो है मतलब बराबर नहीं है SBI के हिसाब से, अनफेयर ट्रेड है। ये देश के सबसे बड़ा बैंक माना जाता है SBI, और उसके चेयरमैन ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ार से निपटने का मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करूँगा। मेरे ईमानदारी से मानना है कि बाज़ार किसी भी कारण से स्टेट बैंक के लिए फेयर नहीं रखता है। जो ट्रेड हो रहा है उनका ये मानना है, बाज़ार में एक शेयर का जो ट्रेड हो रहा है वो किसी की तरह से फेयर नहीं है मार्केट में। फिर भी ये निवेशक की पसंद है कि कितने में मतलब ट्रेड होना चाहिए, वो निवेशक के ऊपर आता है बहुत टाइम कि वो लोग कौन से बैंक को या फिर कौन से ट्रेड स्टॉक को वो लोग प्रेफरेंस देंगे। तो उन्होंने जो है ये मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है। और इन्होंने ये भी बताया कि हमारे स्टॉक की कीमत में इतनी गिरावट का कोई कारण नहीं होना चाहिए, SBI ने इन्फॉर्मेशन दिया। ये तो बराबर है दोस्तों कि आप ऐसा कुछ भी बैंक जैसे कि इतना बड़ा बैंक में आप देखेंगे इतना गिरावट आया SBI में, तो इतना कम कीमत में ये सेल हो रहा है मार्केट में, मतलब ट्रेड हो रहा है, तो इसका इतना कुछ रीज़न तो नहीं दिख रहा है। एक चैनल से बातचीत भी हुआ है उनका, रजनीश कुमार जी का, और उन्होंने जो है एक चैनल से बातचीत के समय कहा है कि बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लड़कर जीत नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों, नीचे जाने का जो है SBI का कारण जो है जो है पता नहीं चल रहा है। अगर आप हमारे प्रदर्शन को देखें तो हमने कोई भी गलती नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है SBI के चेयरमैन की ओर से। मैंने एक विश्लेषक के सवाल के जवाब में एक टिप्पणी की है कि यदि कोई छिकता है तो हमें लगता है कि स्टेट बैंक को फ्लू मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। इस मामले की सच्चाई ये है कि अगर आप आज हमारी बैलेंस शीट और इसके आकार और कमाई के देखते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखेगा आपको। तो ये जो है मैंने आपको जो कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि SBI जैसे बैंक में इतना कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है वो मतलब बराबर नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है और इतना कम प्राइस 180 रुपीज़ और इसका नीचे ही प्राइस चलाया गया था, इतने कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि दोस्तों कि अगर SBI का बैलेंस शीट दिखा जाए, प्रॉफिट दिखा जाए, तो उसमें ऐसा कोई भी रीज़न नहीं मिलेगा कि SBI का जो है स्टॉक का ट्रेड कम प्राइस में होना चाहिए। तो ऐसा मतलब आप देखेंगे नॉर्मली तो हम लोगों को तो लगता है कि ये बराबर स्टेटमेंट है। तो अभी ऐसे कुछ और विश्लेषक रहेंगे जो YouTube में शायद से वो लोग और कुछ रीज़न दे सकते हैं, बट हम लोग को जो लगता है दोस्तों कि ये लग रहा है कि दोस्तों कि SBI का प्राइस जो है थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो वीडियो के जो है आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको एक दो दिन में SBI में कितना प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप चाहें तो उसमें एक बार ट्रेड करके देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने और एक भी बात स्पष्ट किया है दोस्तों कि उनको जो है बाज़ार से निपटने का कोई भी ऐसा कुछ क्षमता नहीं है, और बाज़ार तो बाज़ार है, मार्केट तो मतलब स्टेट मार्केट जो
स्टॉक मार्केट है वो तो स्टॉक मार्केट है दोस्तों। रजनीश कुमार ने कहा है कि फिलहाल जो है उनको पूंजी जुटाने का कोई भी स्टेट बैंक को पूंजी नया करके पूंजी जुटाने का कोई भी ऐसा मतलब इरादा नहीं है कि नया करके पूंजी जुटाए। हालांकि जो है उनके पास 20,000 करोड़ रुपये जुटाने का एक सक्षम तरीका है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी जो है ये सब देखने के बाद हम लोग को लगता है कि अभी जो इसे ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ग्राफ में अगर आप देखेंगे एक दिन का ट्रेड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि SBI का जो है ग्राफ कंटिन्यूसली आप ट्रेंड में मूव हुआ है। तो इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें लग रहा है कि बहुत ही एक बड़ी आपके लिए इसमें मुनाफा मिल सकता है। फिर भी जो है आपको ट्रेड करना है दोस्तों, आपको सोचना है, लेकिन हम लोग का जो सजेशन है वो हम लोग दे रहे हैं वीडियो में। और एक चीज़ जो आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि जो है उनकी सभी तरह की सेवाएँ जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM सभी ठीक से काम कर रहा है। इससे पता चलता है कि उनका जो बैंक का क्वालिटी है वो बहुत ही मजबूत है। अगर आपके पास कोई फोर्स का ऐसा कमिटमेंट हो तो आप सोच सकते हैं कि हम कैसे किसी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। बैंक की जो ऑपरेशनल प्रक्रिया है की तरफ से करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम अपने ऑपरेशंस में ऐसी मुश्किल का सामना कर सकते हैं तो अपने एसेट्स क्वालिटी को बचाने और बिजनेस ग्रोथ को मेंटेन करने में क्यों नहीं। मतलब इनका एक क्लियर जो है एक बयान आया कि अगर SBI इतना सब मेंटेन कर रहा है जैसे कि कस्टमर्स को अच्छा सेवा देना, उसके बाद जो है ऑपरेशंस को SBI का अच्छे तरह से मेंटेन करना, तो इनके जो क्वालिटी है बिजनेस का उसको क्यों नहीं मेंटेन कर सकते। वो तो दोस्तों मतलब बराबर है, क्योंकि SBI का आप देखेंगे ऐसा अभी तक कोई भी घोटाला सामने नहीं आया जैसे कि बहुत सारे बैंक के आया है, और RBI ने वो सब बैंक को जो है सीज भी किया है, सीज किया मतलब कुछ समय के लिए बंद भी किया था। इस बैंक में भी आ गया जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी था, PMC बैंक में आया था, ऐसे बहुत सारे बैंक में जो है बहुत सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन SBI बैंक ऐसा एक बैंक है। इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि दोस्तों कि इसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक बैंक है और इंडिया के आप किधर भी देखेंगे SBI का ब्रांचेस बहुत सारे है, तो इसमें नाराज़गी जताने का जो है ज़रूर बात है दोस्तों SBI के चेयरमैन को। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या मुनाफा है वो अपने को देखना चाहिए। एज ए ट्रेडर आपको ये देखना चाहिए आपको कौन से बैंक या कौन से स्टॉक में मुनाफा आए दोस्तों। तो भले ही वो अगर आप बाई करके सेल करते हैं या फिर सेल करके बाय करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। और एक चीज आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो में थैंक यू जरूर कमेंट कर देना, और अगर आपको मुनाफा मिलता है इस वीडियो में थैंक यू करने के बाद, आप अगर ज़ीरोधा या फिर कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो उसमें से आपको डिपेंड करता है कि आप बाय सेल कर रहे हैं कैसा उसमें प्रोसीजर है, तो आप देख लीजिए उसमें, तो वो भी हम लोग को बता सकते हैं दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों इसका SBI का जो अभी ग्राफ देख के हम लोगों ने रिसर्च किया है, उसके बाद हम लोग को लग रहा है करीबन जो ये स्टॉक 200 के पार हो जाएगा अभी कुछ ही दिन के अंदर, 200 के ऊपर ये ट्रेड करने का क्षमता रखता है SBI। और SBI अगर दोस्तों 200 के ऊपर क्षमता रखता है तो आप अगर देखते हैं 189 या कुछ, तो अभी प्राइस चल 89.25 प्राइस चल रहा है NSE में, तो करीबन जो है आपको एक स्टॉक में 11 से 12 रुपया मुनाफा मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों ये, आप अगर ग्राफ के हिसाब से देखते हैं तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टर्म में अगर आपको एक स्टॉक, मैं तो मानता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म में एक स्टॉक आपको दोस्तों 5 रुपये भी देते 15-20 दिन या एक महीने 2 महीने के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहता है। डिपेंड करता है दोस्तों आप कितना स्टॉक लेते हो उसमें, अगर आप ज़्यादा स्टॉक लेते हो तो आपको जो है ज़्यादा मुनाफा मिलने का रहता है उसमें, और कौन से आप ब्रोकर से जो है ये करते हो डील करते हो उसका चार्जेस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखते हो दोस्तों, तो अगर आप SBI का अभी जो है स्टॉक लेने का सोच रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए जो है अच्छा मुनाफा रहेगा ये, और बाकी जो है आपका जो है आपको ऊपर निर्भर करता है आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। वीडियो को जो है पूरा देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने जो अभी टारगेट दिया वो कंप्लीट हुआ है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लेना वीडियो को, एंड ज़रूर कमेंट कर दीजिए वीडियो पर।